आर्टिकल इसमें दा का यूज आगे कहाँ है, बिफोर द नेम्स ऑफ, कुछ ऐसे नेम्स है जिनके आगे दा लगता है वो आपको लर्न करने हैं, जैसे रिवर, माउंटेन, सी, ऑशियन, रिलीजियस बुक, कम्युनिटीज, न्यूज पेपर्स, वेल नोन बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, डायरेक्शन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आगे दा लगेगा वो आपको लर्न करना है। कम टू द फर्स्ट रिवर, अब रिवर है जो भी रिवर्स है उनके नेम के आगे दा का यूज होगा, जैसे द नील, द गंगा, द कावेरी, इज इट क्लियर। सेकेंड माउंटेन रेंजेस, माउंटेन जितने भी माउंटेन रेंज है सबके अरेंज है सबके आगे दा का यूज होगा, जैसे द हिमालय, द एल्पस, द नीलगिरिस। नेक्स्ट सीज एंड ओशियंस, जितने भी सीज और ओशियंस है उनके आगे भी दा का यूज होगा, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी। नेक्स्ट रिलीजियस बुक्स, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं सबके आगे दा का यूज होगा, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान एक्सेट्रा। न्यूज पेपर्स, न्यूज पेपर्स के आगे भी दा का यूज होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, सॉरी द हिंदू। वेल नोन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग जिनको नाम से जाना जाता है, जैसे जो जानी मानी बिल्डिंग्स है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार एक्सेट्रा। ट्रेन्स, अभी ट्रेन एंड शिप्स, ट्रेन में क्या है, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब इनके आगे क्या लगता है, द राजधानी, द शताब्दी। थ्री डायरेक्शंस, हमारी फोर डायरेक्शंस हैं, इनके आगे भी क्या लगता है, द लगता है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। कम्युनिटीज, जितने भी कम्युनिटीज हैं उनके आगे भी द लगता है, द पठान्स, द मुगल्स, द हिंदूज, इज इट क्लियर। और दा का यूज कहाँ होता है, दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इससे पहले हमने जो डिग्रीज पढ़ी थी उनमें भी हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज, फॉर एग्जांपल मे इज द, अब यहाँ देखिए द, मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर के सब महीनों में से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, मे, तो किसका यूज हुआ, दा का, इज इट क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दा का यूज करते हैं, और इससे पहले चाहे वो रिवर का नाम हो, माउंटेन्स का हो, या फिर किसी रिलीजियस बुक का हो, कम्युनिटीज का हो, बिल्डिंग का हो, इन सब के आगे भी हम किसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल दा का, जितनी डायरेक्शंस हैं इन सब के आगे हम दा का यूज कर रहे हैं, इज इट क्लियर।